तो पोस्टर वॉर, सियासी तकरार, पोस्टर इन दिनों रांची के हर चौक चौराहे पर चस्पा कर रही है जेएमएम, और जेएमएम के ये पोस्टर संदेश भी है और संकेत भी। संदेश हेमंत सोरेन को लेकर, और इन पोस्टर के जरिए भावनात्मक संदेश देने की कोशिश। जेएमएम का पोस्टर प्रचार सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या बढ़ाएगा पार्टी का जनाधार। सहानुभूति की चोट से जेएमएम चाह रही है वोट। अब झारखंड में लगे ये पोस्टर भाजपाइयों को अखर रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है झारखंड झुकेगा नहीं, और इसी पोस्टर के जरिए बीजेपी कटाक्ष कर रही है, कह रही है भ्रष्टाचार पर वार हुआ, हेमंत सोरेन जेल गए तो अब पोस्टर चस्पा करके खुद को शहीद घोषित कर रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस पोस्टर का मतलब क्या है और क्यों जेल के नाम पर सियासत हो रही है, और क्या साबित करना चाह रही है पोस्टर के जरिए जेएमएम। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। झारखंड की सियासत में पुष्पा राज की एंट्री हो गई है, कैसे ये हम बता रहे हैं। फिल्म पुष्पा में आपने डायलॉग सुना होगा, झुकेगा नहीं, वही डायलॉग रांची के कई चौक चौराहों में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की फोटो के साथ पोस्टर में लगाया गया है। पोस्टर में लिखा है झारखंड झुकेगा नहीं। अब शहर में लगे इस पोस्टर को लेकर बवाल मचा हुआ है। सत्ता पक्ष के लोग इसे जन नायकों से जुड़ा नारा बता रहे हैं, जबकि बीजेपी ने इस पर जेएमएम को घेरा है। पोस्टर के स्लोगन पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी का कहना है कि बिल्कुल झारखंड झुकेगा नहीं, क्योंकि ये धरती वीर शहीद बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, चांद भैरव की धरती है, लेकिन हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस पोस्टर से झारखंड की बदनामी हो रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी का आरोप है कि जेएमएम के पास जो हेमंत सोरेन के तौर पर एक ही चेहरा था, अब वो भी गंभीर आरोपों से घिरा है। ऐसे में उसी चेहरे को लेकर जेएमएम चुनावी मैदान में उतर रही है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं। झारखंडियों की बदनामी है, झारखंड झुकेगा नहीं। कौन होते हैं आप झारखंड के? आप हैं क्या? आप भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं, उनको तो माफी मांगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से विरोध करती है एक चोर के साथ झारखंड का नाम का इस्तेमाल करना। झारखंड जाना जाता है धरती बाबा बिरसा मुंडा जी के लिए, सिद्धू कानू, फूलो जानो, चांद भैरव, वीर बुद्धू भगत, उनके शहादत के लिए जाना जाता है, जो उस समय जब अंग्रेजों की गोलियां होती थी उनके पास तीर कमान होता था, फिर भी उन्होंने अपने बलिदान को आखिर समझा, कभी उनके सामने झुकने का काम नहीं किया। अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए उनको जाना जाता है, और आप चोरी करके और उसके साथ झारखंड के उन अमर शहीदों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। पोस्टर में हेमंत सोरेन के अलावा झारखंड के प्रमुख आंदोलनकारियों और शहीदों जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तस्वीर लगी है। इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इसे जेएमएम के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच उत्साह बनाए रखने की पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है। जेएमएम की न्याय यात्रा भी शुरू हो चुकी है। जेएमएम की तरफ से बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। देखिए, आप लोगों को बता दें कि यह नारा जन जन का नारा है, यह नारा भगवान बिरसा का नारा है, यह नारा सिद्धू कानू का है, शेख भिखारी का है, टिके तुमराव का है, नीलांबर पीताम्बर का है, फूलो झानो का है। इस नारे के साथ झारखंड का जन जन जुड़ा, न झारखंड कभी झुका है और न झारखंड कभी झुकेगा। और आपको मैं बता दूं कि आज से जो हम लोगों ने न्याय के लिए अहिंसात्मक चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया, ये अंतिम न्याय तक जारी रहेगा। फिलहाल झारखंड की सियासत में सिंपैथी वोट पाने के लिए
जेएमएम की कोशिश कितना रंग लाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा चुनाव में फिलहाल ये मुद्दा गूंजने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो पोस्टर वॉर, सियासी तकरार सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल होने हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, कांग्रेस के चेहरे हैं, साथ ही साथ जेबी साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं, दीपक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, झारखंड की सियासत को समझते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी कैसे हैं आप? नमस्कार तिलक जी। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ये पोस्टर, ये पोस्टर पर जो चेहरे लगाए गए हैं आंदोलनकारियों के साथ माननीय श्री 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 हेमंत सोरेन जी का जी, इसके पीछे जरा वजह बताएंगे आप झारखंड की आवाम को क्या साबित करना चाहते हैं? लगाए हम लोग पोस्टर में, पोस्टर में चुनावी बॉन्ड योजना लगाए हाँ, कि मंदिर की योजना मस्जिद की योजना लगाए हाँ, कि झूठ का पुलिंदा बांध दें हाँ, जो भी कुछ करें हम लोग देखें। एक तिलक जी, एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, एक उदाहरण पूरे देश में नहीं मिलेगा हाँ, कि जो ईडी का आज उपयोग जो तो किया वो जो आंदोलनकारियों के साथ में समझ रहा हूं भ्रष्टाचार के आरोपी माननीय श्री हेमंत सोरेन जी की तस्वीरें राज्य आंदोलनकारियों के साथ लगी, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे भ्रष्टाचार के आरोपी। देखिए जब तक कि आरोप सिद्ध ना हो जाए, आरोप हो रहा है सर मैंने हाँ ठीक है हाँ आरोप मान लिया, उनको जेल भेज दिया गया ना हाँ जेल में है, गिराने की सरकार गिराने के हर कुत्सित प्रयास की गई हाँ, सरकार के विधायक तस से मस नहीं हिले हाँ, गठबंधन एकदम पूरी तरह एकजुट रहा हाँ, आपको याद होगा जब जब भी झारखंड में उपचुनाव हुए हैं इन चार वर्षों में साढ़े हाँ, चार वर्षों में उपचुनाव के पहले आदरणीय सांसद माननीय श्री निशिकांत दुबे जी, इनके भूतपूर्व अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष सब लोगों ने बार बार ये कहा कि बस उपचुनाव का रिजल्ट आया सरकार की हाँ, नहीं मेरे को आंदोलनकारियों का नहीं, बाकी सब ठीक है, आंदोलनकारियों के साथ भ्रष्टाचार के आरोपी की तस्वीरें क्यों, बस इतना। भ्रष्टाचार के आरोपी मैं कह रहा हूँ कि जब आरोप सिद्ध हो जाएगा तब बोलिएगा, अभी भ्रष्टाचार तो आरोप तो है ना, आरोप तो है, जबरदस्ती लगाया गया है। अच्छा जबरदस्ती लगाया गया है, ठीक जबरदस्ती है, तो वो बैंकेट के तस्वीरें भी लगा सकते थे साथ में, एक एक उदाहरण पूरे देश में नहीं हुआ। नहीं वो बैंकेट जो बनना था उसकी तस्वीरें भी तो लग सकती थी, वो व्हाट्सएप चैट वगैरह की। तिलक जी हाँ, बीजेपी के किसी नेताओं के यहाँ ईडी के छापे नहीं हुए, सब दूध के धोए हुए नहीं है, दूध में डुबा डुबा के निकाले गए। देखिए तिवारी जी मैंने इतना अच्छा सुझाव दिया, आप लोगों ने कभी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, कभी इंप्लीमेंट कर देते तो झारखंड में एक और इतिहास रच देते। पूछिए क्या, जांच एजेंसियां तो आपके पास भी थी झारखंड में, इन्होंने भ्रष्टाचार किया तो जेल में डाल देते सबको। हम गिरी हुई हरकत हम नहीं करेंगे। वाह, मतलब एक तरफ भ्रष्टाचारी बोल रहे हो और दूसरी तरफ जांच नहीं करोगे इनके खिलाफ। वाह भाई वाह, एक मिनट जेबी साहब, एक मिनट जेबी साहब, ये पोस्टर जो चस्पा हुए हैं हर चौक चौराहों पर इतने बुरे क्यों लग रहे हैं आपको? वो उनके नेता है, लगा दिए उन्होंने पोस्टर। नहीं नहीं हम लोगों को बुरे नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल सच कहा है कि झारखंड झुकेगा नहीं हाँ। झारखंड हमारे नेता आदरणीय श्री अमर बावरी जी ने कहा कि झारखंड जो है शहीदों का झारखंड है हाँ। तो लोगों ने कुर्बानियां दी है, बिल्कुल लोग तो जुझारू लोग हैं और ये जुझारू लोग भ्रष्टाचार के सामने झुकने वाले नहीं है, ये हम लोगों को समझना है। और ये भी समझना है कि देखिए बहुत पहले मुझे स्मरण आ रहा है कि कांग्रेस वालों ने एक नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। हाँ जी जी जी, मैं आपको स्मरण करना चाहता हूँ, बहुत पुराना एक नारा है जी, और ये कांग्रेसियों ने दिया था हाँ। और ये तुलना करना चाह रहे हैं कि इस शहीद धरती को हेमंत सोरेन हाँ। जो एक व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोप में आज ईडी के सामने है, उनके गिरफ्त में है। और नहीं, नहीं, आपको दिक्कत क्या है उस पोस्टर में, दिक्कत क्या है? नहीं हमारी दिक्कत मैंने तो स्पष्ट किया ना, झारखंडी लोग नहीं झुकेंगे इस भ्रष्टाचार के सामने, ये लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और देखिए आने वाले समय में ये लड़ाई
आगे बढ़ेगी। और नहीं, ये तो आप समझ रहे हैं इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं ना कुल मिलाकर। बिल्कुल इमोशनल कार्ड, तिवारी भी इमोशनल कार्ड क्यों खेल रहे हो, ये भी साफ पूछ रहे हैं। ये साबित कर रहे हो कि हमारे पास नेता नहीं है, नेता जेल में है अभी। सुमित साहब, आप एक सीनियर अधिकारी रहे हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप उसी तरह की भाषा बोले जो बीजेपी की भाषा है। उस तरह की भाषा नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोप में जब आप कहेंगे कि झारखंड हेमंत सोरेन है और हेमंत सोरेन झारखंड है, तो आप कितने लोगों को अपमान कर रहे हैं, आपको समझना होगा। अच्छा, ये बताइए, राजनीतिक भाषा नहीं है ये, राजनीतिक भाषा नहीं, ये आपको ये समझना है। झारखंड के निर्माण में अपनी कुर्बानी दी है और आप झारखंड में एक सेकंड रुके। हेमंत सोरेन ने ये नहीं कहा कि हेमंत सोरेन नहीं झुकेगा, कहा कि झारखंड नहीं झुकेगा। वही तो बता रहा हूँ, झारखंड थोड़ा सुन लीजिए, झारखंड के लोगों ने बीजेपी को रिजेक्ट करके और हेमंत सोरेन का चयन किया था। हेमंत सोरेन को जबरदस्ती धर के जेल के सिकंजों सलाखों के पीछे आपने भेज दिया, इसलिए उसने कहा कि झारखंड नहीं झुकेगा। उसने ये नहीं कहा है कि हेमंत सोरेन नहीं झुकेगा, झारखंड नहीं झुकेगा। ये हेमंत सोरेन को भेज दो, सुनिए ना, जिनको आपने नौकरी देने का वादा किया था वो कह रहे हैं। सर सुनिए सुनिए, जिनको कहा था 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास, वो कह रहे हैं। सिन्हा जी, 2 करोड़ का क्या हुआ? हाँ तो हर बार आप यही कहते हो कि 2 करोड़ का क्या हुआ, हम 5 लाख इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने 2 करोड़ नहीं दिए। कहेंगे ना सर, कहेंगे ना, कुछ तो सीख लेते तेजस्वी यादव से। तिवारी जी, सिन्हा जी पड़ोस में है लालू जी के बेटे, कुछ तो सीख लेते उनसे। नहीं, मैं एक बात पूछता हूँ, है ना, नौकरी भी दिलवाए और बोले कि हम दिलवाए नौकरी, आप कम से कम दिलवा देते नियुक्ति पत्र के साथ, फोटो भी खींच जाती है, पोस्टर लगाते हुए अच्छे भी लगते हैं आप लोग। एक मिनट रुकिए, आप सुनिए दीपक जी, जरा समझाइए इस पोस्टर पॉलिटिक्स के मायने क्या हैं, जो हर चौक चौराहे पर लग रहे हैं। तिलक जी, ये जो है अभी जो हालात झारखंड में है, ये जेएमएम जो है एक कहीं ना कहीं सहानुभूति, चूंकि जान रहे हैं कि झारखंड में 3.25 करोड़ आबादी है जिसमें की 1 करोड़ प्लस आदिवासियों की आबादी जी, और आदिवासी जो है जेएमएम के परंपरागत वोटर है, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जेएमएम के अंदर एक लौते ऐसे स्टार लीडर रहे जिन्होंने चुनाव लड़ा अपने दम पे और सरकार भी बनाई। अब चूंकि हेमंत सोरेन जो है ईडी के इस मामले में कस्टडी में है, जेल में है, तो एक सिंपैथी वोट को कहीं ना कहीं बटोरने की एक कोशिश है। क्योंकि जहां तक लग रहा है कि अभी हेमंत सोरेन लंबे समय तो बाहर आने वाले हैं नहीं, तो वो तो प्रक्रिया की बात है, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट को लेकर के है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जो है हर जिले और पंचायत में आज से मंदिर मस्जिद जहीर थान वगैरह सभी जगह पूजा प्रार्थना भी शुरू कर दी उनकी सलामती को। तो ये एक कार्ड है क्योंकि इलेक्शन अब नजदीक है लोकसभा का। अच्छा, जो जेपी साहब कह रहे हैं इतनी बात में समझ पाया कि नाखून कटा के खुद को शहीद घोषित करना चाह रहे हैं। अब ये तो अभी चूंकि मैं यह कहना चाहूंगा तिलक जी कि अभी तक चूंकि ईडी ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया और कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया है। हाँ हाँ। तो अभी तो आरोप और प्रत्यारोप का ही दौर चलेगा दोनों नहीं, तरफ आरोप के आधार पर ही तो वो जेल गए ना, वो बैंकेट वाला मामला भी सामने आया। तिवारी जी कह रहे हैं कि नहीं, हाँ लेकिन ये बातें हैं कि जब तक न्यायालय गिल्ट घोषित नहीं कर देते कुछ कहना मुश्किल है इस मामले में। तो यहाँ पे ये चीजें हैं कि मैं एक बात ये कहना चाहूंगा तिलक जी कि अभी लोकसभा चुनाव का समय है और लोकसभा चुनाव में आप जान रहे हैं कि महागठबंधन के पास कोई अभी ये बात मानना पड़ेगा महागठबंधन को कि मोदी के टक्कर का चेहरा नहीं है झारखंड में, चेहरा और, नहीं है अभी, नेतृत्वहीन है। हाँ, तो यहाँ अपने नेतृत्वहीन तो नहीं है, राहुल गांधी की यात्रा कुछ तो असर डालेगी लेकिन मोदी के जो टक्कर का जो होना चाहिए, जो जनता के मन को मोह, झारखंड में ब्रांड तो इनके पास हेमंत सोरेन नहीं थे ना। हाँ, ब्रांड हेमंत सोरेन ही, हाँ ब्रांड हेमंत सोरेन, जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, अभी यूपी में अखिलेश यादव है। हाँ, तो ब्रांड तो झारखंड कहीं ना कहीं अभी नेतृत्व विहीन कहीं ना कहीं है। ऐसे में एक सहानुभूति वोट से कुछ लोकसभा सीटों को साधा जा सकता, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि 24 का जो लोकसभा चुनाव है वह भी कहीं ना कहीं माइंड सेट हो चुका है। ठीक, और अगर लोकसभा चुनाव के आते आते अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया हेमंत सोरेन के खिलाफ,
तब तो मुझे लग रहा है कि झारखंड में जहां तक मुझे लग रहा है कि 12-14 लोकसभा सीट कहीं भाजपा के खाते में न चला जाए। तिवारी जी नाराज हो जाएंगे, ऐसे मत बोलिए। नहीं मैं ये सुन ले, लेकिन अगर अगर हेमंत सोरेन गिल्टी नहीं हुए तो निश्चित है कि इसका बहुत बड़ा असर झारखंड के लोकसभा चुनाव में भाजपा को फिर हाँ, अब जेपी साहब दीपक जी ने जो बात कही जितनी मैं समझ पाया वो ये समझाना चाह रहे हैं कि एक तो पार्टी अभी नेतृत्वहीन है और इस पोस्टर के जरिए वो ये साबित कर रहे हैं कि वो नेतृत्वहीन नहीं है, हेमंत सोरेन है। दूसरा वो जस्ट लाइक ऐसा हेमंत है तो हिम्मत है, और दूसरा कि आदिवासी वोट बैंक को सीधा संदेश है कि देखिए हेमंत सोरेन है झुकेंगे नहीं, जो बात दीपक जी कह रहे हैं वही है ना मैसेज जेवी साहब, और इससे परेशान हो गए आप। नहीं नहीं दीपक जी तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए मुखौटे के आधार पर राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी ये, अभी अगर चंपई सोरेन आगे हैं तो हमेशा हर जगह कह रहे हैं कि मैं हेमंत सोरेन जी के अधूरे काम को पूरा करूंगा। पार्ट टू। अधूरा काम क्या है? अधूरा काम है बालू लूट, अधूरा काम है जमीन का लूट, अब उधरा काम है खनन की लूट। अब इन कामों को पूरा करने के लिए ये बताएं गिनाएं पिछले 4 वर्षों में जनजातीय समाज के लिए इन्होंने क्या किया है? अगर आदिवासी कार्ड खेलना चाह रहे हैं और ट्राइबल का चेहरा बताना चाह रहे हैं जनजातीय हाँ। समाज के लिए पिछले 4 वर्षों में इन्होंने क्या किया इसकी केवल एक गिनती गिनाए। अभी जब चुनाव आपके सामने सर तिवारी जी बताइए गिनवा दीजिए, वो कह रहे गिनवाइए क्या किया आपने। सुबित साहब को कहिए कि 4 और 14 में ढेर अंतर होता है। पहले सबसे पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल जी मरांडी, उसके बाद अर्जुन मुंडा जी, फिर अर्जुन मुंडा जी और रघुवर दास जी। जरा आप बताइए कि इन लोगों ने जनजातीय समाज के लिए क्या किया, एक हाथ गिना दीजिए। तिवारी जी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा है कि आप जिस जो आप टर्म को अगर आप पूरे हमारे 23 वर्ष हमारे झारखंड के अब होने वाले हैं, 23 वर्षों को अगर आप गिनेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों ही बराबर एक ही नाव पर हैं। ऐसी बात नहीं है, आप हमारे नेता बदले हैं लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं वो दोनों के बराबर हैं। और हमने देखिए देखिए एक बात सुन लीजिए, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी चर्चा हो रही हूँ, अभी अभी चर्चा हो रही थी, आदरणीय दीपक जी ने भी कहा कि नेतृत्वविहीन झारखंड लग रहा है। मैं निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूं कि जहां आदमकद नेतृत्व है आदरणीय श्री नरेंद्र दास जी मोदी का, पहाड़ के जैसा आदमकद, जैसा कि बीजेपी के भक्तों के द्वारा इसको बात को परोसा जा रहा है, तो जहां इतना आदमकद नेतृत्व है तब मंदिर मस्जिद गाय गंगा गोबर हिंदुस्तान पाकिस्तान आदिवासी, एक महिला आदिवासी को दिया गया राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट, पूरा हल्ला हुआ कि हमने आदिवासी को दिया, हमने आदिवासी जो कि कैंडिडेट नहीं बोला गया, हमने आदिवासी को दिया, हमने आदिवासी को दिया। ये तो आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि आप वो हमारे योग्य कैंडिडेट रही हैं, आपके राज्य की गवर्नर रही हैं, हमारे आप विरोध करते हो क्या तिवारी जी? नहीं नहीं विरोध तो बताइए, हम ये कह रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी ने योग्य कैंडिडेट नहीं कहा, बीजेपी ने कहा महिला आदिवासी कैंडिडेट। नहीं तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि आजादी के बाद अब तक आपने किसी भी जनजातीय समाज को शासन प्रशासन में ऊंचे जगह पर आपने नहीं बैठाया। आप इन्हें कह रहे हैं जात पात की राजनीति, आप कह रहे हो आदिवासी चाह रहे हैं हेमंत सोरेन, इसलिए आपकी पार्टी सिर्फ जाति धर्म। तिवारी जी फिर आप फिर हेमंत सोरेन के पोस्टर क्यों लगा रहे हैं राज्य आंदोलनकारियों के साथ? हिंदुस्तान की सुचिता से आपको कोई लेना देना नहीं। नहीं नहीं ये तो आप करते रहे, आप कहते हैं लेकिन करते नहीं। हम लोगों ने तो कहा भी और किया भी नहीं, जिस दिन आपकी पतवार धर्म की टूट जाएगी ना, आप पता नहीं चलेंगे, ढूंढते रह जाओगे, खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। नहीं नहीं आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि हम लोग धर्म की राजनीति क्या कर रहे हैं? एकदम करते हैं, एकदम करते हैं। भारत भारत की अस्मिता को अगर आप नहीं पहचानते हैं तो आप फिर क्या पहचानते हैं?
पहचानते हैं, हम जय सियाराम कहते हैं और आप जय श्री राम कहते हैं। लंका पर अटैक करने जा रहे हैं क्या? तिवारी जी अब जय सियाराम और जय श्री राम में है, इतना वो मत करिए। मन करे तो मंदिर जाओ, राम मंदिर नहीं करे मत जाओ। आपको जबरदस्ती थोड़ा कोई कह रहा कि जाओ, मत जाओ ना, कोई बात नहीं। मंदिर किसी की रजिस्ट्री नहीं है। हाँ तो नहीं है, वही तो कह रहा हूँ ना। भगवान राम किसी के धरोहर नहीं, किसी के बिल्कुल। तिवारी जी मन नहीं करा तो मत जाओ ना, क्यों आप परेशान हो रहे हो, मत जाओ। मैं कह रहा हूँ तिलक जी, भगवान राम इनके है क्या? नहीं है इनके, किसने कहा आपसे? तो सबके है ना, आपका मन नहीं करा तो मत जाओ ना मंदिर, आपको जबरदस्ती थोड़ा जाना है। तिवारी जी अब मत जाओ ना मंदिर, मन नहीं कर रहा। आप कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लो, कौन रोक रहा है आपको? लोकतांत्रिक देश है, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने की जरूरत नहीं है। दीपक जी ये जो पोस्टर है इनके जरिए क्या वोट मिलते हैं क्या? सर इन पोस्टर के जरिए वोट मिलते हैं क्या? पोस्टर के जरिए वोट तो, पोस्टर तो एक सिंबॉलिक है। आप देखेंगे कि जैसे बीजेपी में भी कई बड़े बड़े पोस्टर माननीय प्रधानमंत्री जी के लगाए जाते, भी वो हाँ। जिस तरह अभी यूएई में मंदिरों का उन्होंने उद्घाटन किया तो उसके पोस्टर देश में लगे। पोस्टर कहने के इस बात को प्रमाण देते तो है मैसेज कि अभी केंद्र के मतलब मोदी जी क्या कर रहे हैं, अभी हेमंत सोरेन का जो पोस्टर लगा गया। लेकिन ये इस बात से पोस्टर लगा करके, यहां तक हेमंत सोरेन की पोस्टर की जो बात है, तो इस पोस्टर से सहानुभूति की एक प्रयास जेएमएम ने किया, लेकिन जनता के मन में आशंका का बीज तो बैठ गया है। नहीं नहीं, जनता पोस्टर के नाम पे वोट देती है, जैसे पेपर लीक हो गया, वो बेचारे जो है बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, और हैरानी की बात यह कि विपक्ष मौन है उस पर। तिवारी जी बच्चों के पेपर लीक हो गए, आरोपी पकड़े गए, विपक्ष मौन है। देखिए पहली बार ऐसा उदाहरण, विपक्ष मौन है, मुद्दा ही नहीं उठा रहा। वो बच्चे बेचारे जो है जा रहे हैं राज्यपाल के पास कि हमारी अर्जी सुन लो अभ्यर्थी, विपक्ष कह रहा है कि अरे कौन, और यही कह रहे थे 5 लाख रोजगार राजनीति से सर, वो बेचारे बच्चे भटक रहे हैं। नहीं, यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा तिलक जी आपको कि एसआईटी जांच में लगभग 16 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, और जो सचिव लेवल के अधिकारी उनके बेटे उनके दामाद को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पेपर लीक में मुख्य अभियुक्त है। एक मिनट जेबी साहब हम एक मिनट सर सबके लिए तराजू बराबर है। जो विपक्ष, एक मिनट रुकिए ना तिवारी जी एक मिनट रुकिए ना, जो विपक्ष कल तक आप नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये कहते रहे कि 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास, रोज ट्वीट करके बोलते थे हेमंत सोरेन जी कब इस्तीफा दे रहे हो। आज वो बच्चे जिनका पेपर, अभ्यर्थियों का पेपर लीक हुआ, आरोपी पकड़े गए, विपक्ष के मुंह से चू नहीं निकल रहा, कहां है वो? क्यों विपक्ष मौन क्यों है? क्या ये नहीं पूछेगी अभ्यर्थी आपसे कि विपक्ष मौन क्यों है, क्या हो गया विपक्ष को, क्या कहेंगे जेबी साहब? नहीं नहीं, आप कैसे कैसे कर रहे हैं, कहां है, कहां है विपक्ष? हमारे नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी खामोश क्यों हैं? नहीं नहीं, बाबूलाल जी खामोश नहीं है, उन्होंने तो सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। सर कितनी चिट्ठियां लिख दी? नहीं नहीं, आप पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में उन्होंने कहा है। बाबूलाल मरांडी जी की चुप्पी सवाल खड़ा कर रही है, ऐसा तो नहीं है कुछ मामला कुछ हो रहा है? चुप्पी तो बाबूलाल जी की चुप्पी नहीं है, सवाल खड़ा कर रही है। पब्लिक डोमेन में मैं कहता हूँ, उसको जरूर सुन ले। आप, मैं कह रहा हूँ कि ये छोटे मुद्दे, आप कहेंगे ये छोटा मुद्दा है, छोटे मुद्दे से बड़े मुद्दे को ढांपने का कुत्सित प्रयास। ये बताइए कि चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा, क्या कहना है, क्या कहना है? चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया बीजेपी, क्या क्या कहती है? तमाचा है, गाल पर तमाचा है, सुप्रीम कोर्ट का तमाचा। इस पर मुंह क्यों नहीं छुपा लेते बीजेपी के लोग? मैं चुनावी बॉन्ड की वजह से पेपर लीक वाला भूल जाओ। नहीं, ये मैं नहीं कर। अच्छा, मुझे लगा आप यही समझा रहे हो। नहीं नहीं, मैं ओके, दीपक जी फाइनल कमेंट आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ तिलक जी, सबसे पहली बार पेपर लीक जो हमारे यहाँ हुई थी झारखंड में, वो सेकंड जेपीएससी का हुआ था जी। उस समय बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे। हाँ। आज भी इस मामले में कहीं ना कहीं आज भी इस मामले में बाबूलाल जी चुप्पी साध जाते हैं, और इतनी बड़ी घटना हुई, इसमें भी विपक्ष को जितनी मुखरता के साथ आना चाहिए था प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, अरे पूरी विपक्ष मौन है, मुखरता से वो आई भी नहीं। बाबूलाल मरांडी जी, श्री बाबूलाल मरांडी जी मौन है उस पर। जेबी साहब कह रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
जेबी साहब का ऑडियो उठाइए, लेकिन दीपक जी ये तो है, विपक्ष जितना आक्रामक होना चाहिए उतना है नहीं। पीसीआर प्लीज अगर हो सके तो जेबी साहब का ऑडियो उठाइए। इतना आक्रामक इस मुद्दे पे नहीं रहा विपक्ष, जबकि होना चाहिए था। हाँ, ये नहीं समझ में आया। जेबी साहब बड़ी चिंता की बात है। नहीं नहीं, मैंने आपको कहा ना कि आप जरा पब्लिक डोमेन में देखिए कि बाबूलाल ने क्या कहा। मैं सुधार करूंगा, आप मुझे दिखा देंगे तो। एक होता है कि किसी ने माइक लगा दिया, जैसे तिवारी जी, क्या तिवारी जी इस पर बोलिए कुछ। हाँ हाँ, इस पर जांच होनी चाहिए। बात एक होता है कि आंदोलन का आह्वान किया, हो जांच। अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ठीक देवी साहब, आप लोग सही हैं। माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी जो कहते थे हेमंत सोरेन जी को जेल में डालो, अब वो इस मुद्दे पर खामोश हो जाते हैं, वो सवाल मत उठाओ। कोई खामोशी नहीं है, खामोशी है। माननीय बाबूलाल मरांडी जी की खामोशी है जो सवाल खड़ा करे। तिवारी जी है ना खामोशी, बाबूलाल जी खामोशी है। अब पता नहीं क्यों है। मैं सरकार के पक्ष से ये मांग करता हूं। ओके, थैंक यू। करिए मांग, करिए। आप मांग नहीं करनी, आप सरकार में है, आपकी मांग पूरी हो जाएगी सरकार में। आप तिवारी जी थैंक यू सो मच, जेबी जी आपका भी और दीपक जी आपका भी। तो पोस्टर के जरिए सियासी पॉलिटिक्स फिलहाल मुझे दीजिए दादा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।